अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज है संडे का दिन और मेरे घर आने लगे हैं गेस्ट, तो मैं गई थी शॉपिंग करने। आपको मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ आज की रूटीन। तो ये किचन टावल लिए, अपनी छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, ये हेयर कैचर और ये लिप बाम और फिश लिए। महंगे गेस्ट ने तो डिनर टाइम आना है, बड़ी भूख लग रही है, तो जल्दी जल्दी फिश एंड चिप्स बनाती हूँ। और ये डोनट्स लिए हैं जो कि मैं आज मीठे में सर्व करने लगी हूँ। और अनियन रिंग्स का बड़ा दिल चाह रहा था मेरा, वो भी लिए हैं मैंने। मैं चलो ये भी फ्राई करके खाते हैं फिश और चिप्स के साथ। और ये फिश लिए हैं, फ्राइज लिए हैं ये वाले। और ये ग्रीन एप्पल लिए हैं जो कि मैं इधर रख देती हूँ। और कोल्ड ड्रिंक्स में ये पेप्सी मैक्स ली है। और ऑरेंजेस लिए हैं, प्याज लिए हैं और ये लिए हैं क्रम्पिट्स लार्ज साइज के। और योगर्ट लिया जो कि बहुत हेल्दी है, ग्रीक योगर्ट लिया मैंने। ये देखें ग्रीक स्टाइल योगर्ट। आज तैसे सारी शॉपिंग की। तकरीबन 2 बजे का टाइम हो चुका है और बहुत भूख लग रही है, तो मैं बना रही हूँ क्विक सा लंच। उसमें मैं बना रही हूँ फ्राइज, फिश फिंगर्स और अनियन रिंग। इनको जी मैं कर रही हूँ एयर फ्राई ताकि हेल्दी हेल्दी फूड मैं इंजॉय करूँ। और जो मैंने फिश फिंगर लिए हैं वो ये वाले हैं के। बाकी सारा घर नीट एंड क्लीन हो चुका है। ये देखिए मैं बेडशीट बिछाती हूँ, वही बेडशीट उठाने वाली है और ये थोड़ी सी सेटिंग करनी है। बाकी सारी सफाइयाँ हो चुकी हैं, लेकिन ये टेबल रह गई थी, इसे भी मैंने सोचा थोड़ा वाइप कर लूँ क्योंकि खाना खाते हैं ना। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये ठीक है निशान, तो ये ज़रा रह गए थे, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। फिर लंच इंजॉय करते हैं और साथ साथ डिनर में जो बनाऊंगी आप लोगों को भी साथ साथ दिखाती रहूंगी। आप लोग भी पूरा व्लॉग देखेगा, स्किप मत कीजिएगा। ये मैंने ना फ्लोर वाइप्स लिए हैं, ये मुझे बड़े जब से लिए हैं बड़े अच्छे लगे हैं। जो मेरी लेदर की कुर्सियाँ हैं ना, ये देखें ये वाइट कलर की, इसके ऊपर भी थोड़े से निशान पड़ गए थे, वो भी मैंने इसी वाइप से साफ़ किए हैं, तो वो आसानी से साफ़ हो गए हैं। ये टेबल मैंने साफ़ कर ली है और ये देखें ये सारी इसकी इसको वाइप किया है ना, ये सारी मैल। और ये जो है ना फ्लावर्स, ये पर्दे धोए थे तो इसको भी उतारना पड़ गया था। ये जानी है ऊपर यहाँ पे, यहाँ पे, तो इसे भी मैं यहाँ लगवा लेती हूँ। और बटरफ्लाइज है मेरी कर्टन्स पे लगने वाली, उसको भी मैं लगवा लेती हूँ, दिखा देती हूँ आप लोगों को बटरफ्लाइज। ये देखिए ये पर्पल कलर के बटरफ्लाइज, ये वाइट कर्टन्स पे मैं लगाया करती हूँ, बहुत प्यारी लगती हैं लग के। ये देखिए इस तरह, ये जी हमारा लंच रेडी हो गया है, हमारे फ्राइज, फिश फिंगर्स और जो अनियन रिंग्स हैं, होल अनियन का रिंग है एक, वो रेडी हो चुके हैं। और इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया है ये पेरी पेरी मसाला, इसको थोड़ा सा मज़ीद स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि मज़े मज़े के स्पाइसी स्पाइसी लगे। तो अब करते हैं लंच एंजॉय। डिनर की तैयारी जी मैंने स्टार्ट कर दी है। डिनर में बना रही हूँ मैं जी चिकन पुलाव। मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, बनाना स्टार्ट कर दिया है, तकरीबन आधे घंटे में बन जाएगा हमारा पुलाव। और भी साथ साथ क्या क्या बनता है वो भी आपको दिखाती जाऊंगी। और पुलाव मैं कैसे बनाऊंगी उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे दी हुई है, अगर आपने रेसिपी देखनी है तो आप उसे विजिट कर लें। तो मैं चिकन के साथ बिल्कुल थोड़े से मटर भी ऐड करूंगी, चिकन मटर पुलाव बनाऊंगी। ओ जी हमारे गेस्ट आ चुके हैं, तो मैं इन्हें पहले सर्व करने लगी हूँ ये स्क्वैश। और खाना भी नियरली रेडी हो चुका है मेरा,
तो पुलाव हमारा हो चुका है जी तकरीबन रेडी। ये देखें मज़ेदार सा। इसे मैं 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी दम पे, जब तक हमारी बाकी डिशेज़ भी रेडी हो जाएंगी। और इधर मैंने एयर फ्राई कर लिया चिकन गोजोन्स और फ्राइज। चिकन गोजोन्स चिकन नगेट्स की तरह होते हैं लेकिन थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट होता है। और ये मैंने लेटिस काट लिया और साथ चटनी बना लिया पुलाव के लिए। ये पुलाव भी रेडी हो गए हैं, मैं निकाल रही हूँ। बस सारा खाना हमारा रेडी है, तो जब टेबल लगाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब खाना सेट करूंगी। मेहमान भी हमारे पहुंच चुके थे और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टाइम पे खाना रेडी हो चुका है। और ये वेजिस को भी मैंने एयर फ्राई कर लिया। इसमें शिमला मिर्च है, प्याज है, स्वीट कॉर्न है और स्वीट पीज है, मटर है। ये हमारे चावल भी डाल चुके हैं। तो खाना हमने खा लिया है, अब है जी टी टाइम। तो ये मज़ेदार सी गरम गरम टी बन चुकी है, इसमें से धुआं निकल रहा है। और साथ में सर्व कर रही हूँ डोनट्स और साथ में बिस्किट और नींबू भी मैं सर्व करती हूँ। तो जी अब रात के तकरीबन 7:30-8:15 हो रहे हैं और मेहमान हमारे चले गए हैं घर। और ये मैं साथ साथ बर्तन जो है डिश वाशर में लगाती गई थी, इसलिए मुझे इतने ज़्यादा टेंशन नहीं हुई काम की। बहुत अच्छा लगा था वो आए हैं, वो असल में हमारे फ्रेंड्स हैं और फैमिली फ्रेंड्स बन चुके हैं अब। वो भी हमारे घर आते जाते हैं, हम भी उनके घर आते जाते हैं, तो काफ़ी गपशप लगती है, अच्छा लगता है। अब मैं डिश वाशर में टेबल डाल के इसको कर दूँगी ऑन और बाकी भी जो थोड़ा बहुत काम है वो निपटाऊँगी और आप लोगों को भी साथ साथ दिखाती जाती हूँ। ये देखें सिंक भी मेरा बिल्कुल क्लियर है, वो सब साथ साथ में धोती गई थी। ये देखें कुछ बर्तन धुले रखे हैं और ये वर्क टॉप भी रखे हुए हैं कुछ। ये देखें ये भी बिल्कुल क्लियर है। डिश वॉशर ऑन हो चुका है और मैं लाउंज में आई हूँ। मैंने टेबल साफ कर ली थी पहले, और तो यहाँ पे भी सब कुछ नीट एंड क्लीन है। ये देखें ये मैं बेडशीट्स फिर से ले आई हूँ चढ़ाने के लिए सोफ़ाज पे। मैं बेडशीट इसलिए चढ़ाती हूँ क्योंकि बच्चे वालों घर, बच्चों वाला घर है, बच्चे आते हैं या इवन खुद बड़े भी कभी बैठे होते हैं, कभी बैठ के खाना खाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, वो मैले हो जाते हैं बहुत जल्दी। इनको मैं कुशन जो है इसके वो मैं कवर धो सकती हूँ लेकिन मैं खुद नहीं प्रेफर कर रही उन्हें धोना, धोने से वो ज़्यादा श्रिंक होंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। तो जी यहाँ मैं ले आई हूँ ब्रश और ये देखें ये छोटे छोटे आपको फूड क्रम्स नज़र आ गए होंगे, मैंने कहा ये क्लियर कर लूँ। तो सफाई वगैरह करने के बाद मैं अब ये जो मैंने सुबह कपड़े धोए थे वो मैंने हैंग आउट नहीं किए थे क्योंकि बाहर तो नहीं कर सकती, बाहर फ्रीजिंग थी, घर पे ही करने थे हैंगर पे बिसाइड द रेडिएटर, लेकिन मैंने किए नहीं थे कि मेहमान आएंगे तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कपड़े लटके हुए हूँ। अब वो चले गए हैं तो अब मैं कपड़े लटकाने लगी हूँ। तो ये है मेरा जी लास्ट टास्क ऑफ द डे, कल फिर से जॉब, फिर से वही रूटीन। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, खुश रहें, आबाद रहें, खुशियां बांटें, कीप वॉचिंग, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।